अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। अगर मल्लिका ने शादी के लिए एक बड़े स्टार के एप्लीकेशन को कंसिडर किया तो जल्द ही हो सकती है मल्लिका की सगाई। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। लेकिन मल्लिका के शादी के अपडेट से उनके फैंस को मायूसी हो। बता दें कि जिस स्टार की एप्लीकेशन कंसिडर करने की बात कहकर मल्लिका इतना भाव खा रही है वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलमान की ऐसी किसी शादी की एप्लीकेशन का इंतजार करते करते कहीं मल्लिका की शादी की उम्र ही ना निकल जाए। वैसे अब जब बात निकल ही गई है उनकी शादी की तो बता दें कि दरअसल जलेबी जैसी एकदम सीधी साधी बातों का पिटारा मल्लिका ने एक बार फिर खोला है अपने एक टेलीविजन शो के लॉन्च पर, जहां मल्लिका शायद पहले ही ये तय करके आई थी कि उनकी बातों में ये नखरा हर बार हर वक्त नजर आता रहे, जिससे पता चले कि वो हॉलीवुड से आई हैं। इसलिए जब स्वयंवर जैसे कॉन्सेप्ट के शो को लेकर मल्लिका से पूछे गए सवाल तो उनके नखरे वही थे जो हमेशा से रहे हैं। मल्लिका से मीडिया ने पूछे बॉलीवुड के 3 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के नाम और शुरू हो गई मल्लिका। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर, आई थिंक ही इज अ परफेक्ट बैचलर। अब करण को परफेक्ट बैचलर बताने की वजह आप मत तलाशिए कि कहीं उनकी किसी फिल्म में रोल हथियाने के लिए तो मल्लिका उनकी इतनी तारीफ नहीं कर रही। इसीलिए बेहतर है कि करण को परफेक्ट बैचलर बताने की वजह भी खुद उन्हीं से पूछी जाए। ही इज चार्मिंग, ही इज सक्सेसफुल एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इंटीग्रिटी। पर अब अपने प्रिंस चार्मिंग की तलाश में निकली मल्लिका को बॉलीवुड के किसी बैचलर खान का नाम गिनाने को कहा गया तो उन्होंने सबको बता दिया मैरिड। Any Khan of Bollywood you like? Aren't they all married? Aren't they all married? सलमान भी मैरिड है क्या मल्लिका जी? अगर हैं तो फिर वाकई बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। लेकिन थोड़ा जोर देने के बाद मल्लिका ने बना दी यहाँ उलझी हुई बातों की एक और जलेबी, सलमान की एप्लीकेशन कंसिडर करने की बात कहकर। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बात भी मल्लिका की जलेबी जैसी बाकी बातों की ही तरह बिल्कुल सीधी साधी है जो उन्होंने अपने स्वयंवर शो के लॉन्च पर कही है। पहली बात, मल्लिका स्वयंवर तो रचाएंगी पर नहीं करेंगी शादी, कोई नहीं बनेगा उनका दूल्हा। दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। I always said I'm looking for companionship and for love. दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। I always said I'm looking for companionship and for love. दूसरी बात, आइटम नंबर से उनका जी भर गया है क्योंकि मैं कॉन्शियस एक एफर्ट है कि मैं आइटम सॉन्ग्स और ये अल्ट्रा ग्लैमरस रोल्स अभी नहीं करना चाहती। बहुत हो गया ये सब। नाउ आई वांट टू डू सम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स। जानबूझकर मल्लिका ने छेड़ा है आइटम नंबर्स का चक्कर जिससे सनी लियोनी जैसे न्यू कमर्स को लैला बनने के लिए जगह मिल सके। ऐसे सॉन्ग्स के ऑफर तो मेरे पास दिन में 10 आते हैं। But I don't want to do those. It's a conscious effort. यानी भले सलमान भाई का गुणगान छोड़ने की बात हो या फिर आइटम नंबर्स की रेस से बाहर होने का मामला, लगता है मल्लिका की जलेबियों में कहीं कोई खटास आ गई है। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें खट्टे लगने लगे हैं बॉलीवुड के अंगूर और अब हॉलीवुड रिटर्न ये एक्ट्रेस हो गई हैं छोटे पर्दे पर आने को मजबूर। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।